नमस्कार फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे जो कि फ्रेंड यहां पर बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत से जारी किया गया। फ्रेंड बता दूं कि लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट यहां पर आ चुका है, फटाफट अब आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि यहां पर फाइनली मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति। जैसे हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बात किया था कि फरवरी के लास्ट तक अब आप लोग को वेट करिए, लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट जरूर से जरूर आ जाएगा। तो देखिए आज ये रिजल्ट अभी तुरंत प्रकाशित कर दिया है। चलिए ज्वाइनिंग कब तक होगा वो उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि लिस्ट तो आ चुका, अब आप लोग को ज्वाइनिंग के बारे में तो ज्वाइनिंग का भी देखेंगे। साथ ही फ्रेंड एक डॉट और क्लियर कर दूँ कि 8853 वाले कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हो कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए भी हम आपको कंफर्मेशन कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग रिजल्ट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको सारी PDF के साथ रिजल्ट शीट डाल चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आप लोग को यहाँ पर शुरू नंबर में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021, इनका रिजल्ट यहां पर जारी किया गया है। जैसे इसको क्लिक करिएगा तो आप लोग को ये पेज खुल करके सामने में आएगा और ऊपर में ही दिखाई देना शुरू कर देगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021। अब इस लिस्ट को आप लोग इस पर क्लिक जैसे ही करिएगा तो आप लोग को PDF खोल करके सामने में आ जाएगा डाउनलोड होकर के, और यहाँ पर देख सकते हो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021 का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत दो पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, वो वैकेंसीज आप लोग देख सकते हो। पद का नाम पहला नंबर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसमें 5 कैंडिडेटों के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मैच कर लीजिए, कैंडिडेट अपना नाम देख लीजिए, पिता का नाम देख लीजिए, चयनित कोटि देख लीजिए, और जिन कैंडिडेटों का इसमें नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर फादर से मैच कर गया समझ लीजिए कि अब आप लोग खुश होने वाली बात है, सिलेक्शन पक्का यहाँ पर हो गया। इसी तरह से नीचे आइएगा तो दूसरा नंबर पोस्ट पर देख सकते हो सीनियर लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी किया गया है, जिनमें कैंडिडेट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पिता का नाम और चयनित कोटि फटाफट मैच कर लीजिए। जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर रिजल्ट हुआ वेरी कंग्रेचुलेशन फ्रेंड, क्योंकि अब आप लोग फाइनल सिलेक्शन हो चुके हो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीनियर लैब टेक्नीशियन पोस्टों के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर अब आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। ज्वाइनिंग की बात करोगे फ्रेंड तो ज्वाइनिंग के लिए अब आप लोग को थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, अभी ज्वाइनिंग के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम फुल प्रोसेस आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे ज्वाइनिंग कराएंगे और किस तरह से ज्वाइनिंग करना है। तो फ्रेंड इसी तरह का अगर आप लोग नया नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, जिससे कि हम बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई भी नया चीज आए तो अपडेट सबसे पहले आपके पास दे सकूं। बात कर लेते हैं फ्रेंड 8853 वाले कैंडिडेटों के लिए, तो सब दिन की तरह आज भी हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट जैसे हमसे बात हुआ है, जैसे हम जानकारी लिए हैं कि फरवरी के लास्ट तक, तो फरवरी के लास्ट तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि यहाँ पर फरवरी नहीं बीत जाता है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के बारे में भी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बात किया था कि फरवरी के लास्ट तक वेट करिए रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर सीनियर लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है, दो दिन पहले भी बिहार स्वास्थ्य समिति ने रिजल्ट जारी किया है। 3 पोस्टों के लिए आपको हम दिखाए भी थे, उन तीनों पोस्टों का रिजल्ट, 3 या 2 पोस्टों के रिजल्ट जारी किया था आपने देखा था। इसी तरह से लगभग यहाँ पर सारी पोस्टों का 1 बाय 1 करके यहाँ पर रिजल्ट अपडेट कर रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करिए लेकिन रिजल्ट कन्फर्म आप लोग को आ जाएंगे। फ्रेंड मिलेंगे अगला वीडियो में, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका सारा डाउट वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।